डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर चाइल्ड्स, मारवाड़ी कॉलेज इंटर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यू आर वेलकम हियर। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन। मोटिवेशन के मैंने डिफिनेशन बताए थे, उसको डिफरेंट जो प्रोफेसर्स हैं अकॉर्डिंगली उनको बताया गया था। और उसके फीचर्स ऑफ मोटिवेशन ये बताया था मैंने, और प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में जानने जाना था। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से आगे, अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमने बताया था कि अभिप्रेरणा वह है कि जब कोई व्यक्ति बढ़िया कार्य निष्पादन करता है या अच्छा कोई कार्य को करता है और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है, तो पर्दे के पीछे उसको कोई आवश्यकता उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाए रखती है, और वह इतना दबाव बनता है ताकि आवश्यकताएं व्यक्ति को लगातार कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती रहे। यही है मूल रूप से अभिप्रेरणा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभिप्रेरणा के आवश्यकता एवं महत्व, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसके कई प्रकार के नीड्स हैं, जैसे निष्पादन स्तर पर सुधार, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल। निष्पादन स्तर पर सुधार, कर्मचारियों की नकारात्मक सोच को बदलने में सहायक होना, उदासीन रवैये को बदलना, हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव ऑफ इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारी आवागमन में कमी, रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कर्मचारियों के आवागमन में कमी लाना या कमी को दूर करना, संगठन में अनुपस्थित दर घटाने में सहायक, हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन,
परिवर्तन के विरोध में कमी आना या कमी लाया जाना, रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज, ये जो बातें हैं ये अभिप्रेरणा की महत्व हैं और आवश्यकताएं हैं। इससे हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति को कुशलता या कुशलतम कार्य करने की योग्यता तथा कार्य करने की इच्छा दोनों ही का प्रभाव पड़ता है। कार्य करने की योग्यता शिक्षण के द्वारा या पढ़ाई के द्वारा होती है, पठन पाठन के द्वारा होती है, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा ग्रहण की जाने वाली कार्य करने की इच्छा को अभिप्रेरणा द्वारा किया जाता है। योग्यता व इच्छा में से इच्छा अधिकरण अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर योग्यता आप लाख रखिए लेकिन इच्छा यदि आप में किसी कार्य को करने की जागृत नहीं होती है तो आपको आपसे कोई कार्य संपादित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अभिप्रेरणा के महत्व का अध्ययन करने के पूर्व हमें इस बात की को समझना चाहिए कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा ये दो अलग अलग बातें हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड विल टू वर्क, ये दो चीजें अलग अलग हैं जिसका समावेश एक में एक साथ होता है। एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, तकनीकी सभी दृष्टियों से कार्य करने योग्य हो सकता है, लेकिन वह कार्य करना नहीं चाहता, अर्थात उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि उसकी कार्य के प्रति इच्छा को करने की जागृत पैदा करे या जागृत करे। और इस के इसके लिए अभिप्रेरित किया जाए, यह बहुत बड़ी बात होती है। आप व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप एक विशिष्ट स्थान पर किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व को इन्हीं शीर्षकों के द्वारा हम जानते हैं और उन्हीं से प्राप्त होती है। तो हम ये जानते हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, एक होता है वित्तीय और दूसरा होता है अवित्तीय अभिप्रेरणाएं। वित्तीय प्रेरणाओं में कई प्रकार की बातें आती हैं। वित्तीय प्रेरणाओं में हम कई प्रकार की बातों को देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल
इंसेंटिव्स जिसको बोलते हैं वित्तीय अभिप्रेरणाएं, जैसे वेतन एवं भत्ते, पे एंड अलाउंस। दूसरा है उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रेरणाएं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, लाभ भागिता प्रॉफिट शेयरिंग, सहभागिता को पार्टनरशिप, सेवानिवृत्त लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अनुलाभ प्रिक्विस्टिस एंड वित्तीय प्रेरणाएं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जो बातें हैं इन बातों से कर्मचारियों पदाधिकारियों को वित्तीय अभिप्रेरण होती है और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो मिलते हैं उससे वो प्रोत्साहित होते हैं और कार्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनका इच्छा बढ़ती है कार्य के प्रति और कार्य को करने में वो अपना लगन लगा करके वो कार्य करते हैं, जिससे कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान को लाभ अर्जित होता है। तो बच्चों आज बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। इतना ही, धन्यवाद।